और ये देखो गाइस, काला वाला ये बहुत तेज है, जैसे मैं पास जाता हूँ भागने लगता है वहाँ से। वो काला वाला हिरन देख रहे हो ना, वो देखो दो काले एक लाल है, ये देखो जैसे मैं पास जाता हूँ भागने लगते हैं। उन्होंने देख लिया कि कोई आ गया है। अभी हम जा रहे हैं काले हिरन की शिकार में। तो गाइस मैं उदयपुर जा रहा था जोधपुर से, तो रास्ते में काफ़ी देर से मुझे लिफ्ट नहीं मिली और मैं पैदल चल रहा हूँ। और मैं चलते चलते ना गाइस वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। तो ये पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये वाला एरिया पूरा जंगल है। फिलहाल मैं भी उसी के चक्कर में हूँ, यहाँ दिख जाए काला हिरन तो ठीक है। और गाइस चलते हैं, अभी थोड़े अंदर चलते हैं, शायद अंदर दिख जाए कोई सा हिरन। देखते हैं कोई काला हिरन दिखता है या नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे बताया लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में काले हिरन है खुले। सामने एक अंकल जी आ रहे हैं, अंकल जी दिख रहे हैं मुझे, तो अंकल जी से बात करते हैं, बस पूछेंगे यहाँ पे हिरन है या नहीं है, कैसा क्या, मतलब सलमान खान ने यहीं पे किया था शिकार उसका या क्या किया था। चलो बात करेंगे अंकल जी से। तो अंकल जी यहाँ मिले हैं, अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है। तो सलमान खान ने यहीं पे शिकार किया था क्या? हाँ इधर ही किया था। तो मतलब कब किस टाइम किया था? उसको किसने बताया कि यहाँ पे काले हिरन मिलते इसने हैं? हमारे यहाँ पड़ोस में यहाँ रहने वाले हैं वो गंगाराम बिश्नोई के बेटे अनुराम जी। हनुमान और बाबूलाल, उसने ये बताया। फिर शिकार किया, हिरन ने देख लिया, सलमान खान और तंबू और एक दो हिरन और थी। फिर वो तो भाग गए यहाँ से, हाँ सिर्फ फिर उसके जिप यहाँ रह गई थी। उसको फिर हमने थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ गए और उसको पूछताछ किया, फिर उसने सच्चाई बताई। फिर यहाँ वापस आए, फिर उस हिरण को वापस दफनाया गया, हमने सब मिलकर दफनाया उनको। अच्छा, आप फिर थे उस हाँ, टाइम पे यहाँ? हम उसके पास में थे, अच्छा। हम पास में थे। उस खड्डे से दफनाया गया, फिर उसका सैंपल दिया गया डॉक्टर को, फिर उसका केस दर्ज करवाया गया और अभी तक ये चल रहा है। वो हमारे यहाँ पास में मकान है, वो उसके पड़ोसी हैं यहाँ के, अच्छा वो उसके गवाह है मैन, और मैं भी उसमें शामिल ही हूँ। अच्छा। तो अंकल जी आप ये बताएं, अभी कुछ मुझे दिख सकता है कोई काला हिरन यहाँ पे? हाँ दिख सकता है, क्यों नहीं, तो बहुत चलो चल सारे। के देखते हैं कहीं मैं दिख जाए यहाँ पे। हाँ तो ठीक चलो मैं बताता हूँ आपको। है, तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको काला हिरन यहाँ पे, कि काला हिरन कैसा है यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। और बता दें यहाँ पे झुंड के झुंड में रहते हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। कि दिख जाते हैं तो ठीक है, अगर आपका लग और मेरा लग अच्छा रहा तो दिख जाएंगे। ये तो आप सवेरे आ जाते तो आपको कई सैकड़ों संख्या हम बता देते हैं, उसको हिरण खेलते हुए बता देते हैं आपको इस तरह ये हिरण खेलते हैं। और गाइस देख रहे हो ना, ये पानी भरा हुआ है पीछे यहाँ पे, तो आते हैं हिरन यहीं पानी पानी पीने के पीने लिए। के लिए भी आते हैं ना। तो फिर बता रहे हैं कि सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे, ताकि जैसे लोग कम आते हैं ना, फिर उस टाइम पे तो हिरन ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे दिन बढ़ने लगता है लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो भाग जाते हैं यहाँ से। जाड़ मिलेगी, खेजड़ी मिलेगी, अंग्रेजी जंगल वो पौधा की फली मिलेगी और देसी बावलिया की फली मिलेगी। अच्छा। और पानी के यहाँ तालाब भरे हुए हैं, और गर्मी पड़ेगी पानी खाली होगा तो हम आड़ोस पड़ोस से मिलकर टैंकर डलवाते हैं। और अंकल जी का वो घर है सामने, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो गाइस ये भैया है, भैया घर आया हुआ हूँ मैं अभी गांव में। तो भैया अपने गांव से जाके, मतलब जो सलमान खान ने यहाँ पे जो हिरन को मारा था ना, तो यहाँ पे एक मतलब जाती है बिश्नोई जाती, तो उन लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। अगर वो उस टाइम सलमान खान उसको यहाँ पे मिल जाता ना, तो ये लोग उसको वहीं मार देते उसी टाइम। तो अभी चलते हैं इनके भैया के खेतों में जाते हैं, वो हिरण तो दिखा रहा हिरन दिखाता हूँ मैं आपको, इन भैया खेतों में है अभी। वो जा तो रहा गाइस वो देख लो गाइस, आपको आप एक बार वो देखो, सामने एक हिरन जा रहा है ना, वो देखो। तो अभी लाल हिरन है, ये काले हिरन भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं तो आया था यहाँ काले हिरन देखने के लिए, तो भैया अपने गांव में ले आए हैं, और गांव में इनके खेतों में देखो, खेतों में भी आया, मतलब इधर इधर हिरन देखने के लिए आया था, हिरन तो नहीं मिले लेकिन ये बेर मिल गए, बहुत मीठे बेर हैं। और थैंक यू भैया, पता नहीं कब आने को मिलेगा यहाँ पे आपके साथ। ये दोनों भैया, इन्होंने लिफ्ट दी थी हमें। और भैया आपका नाम क्या है? बंसीलाल। तो ठीक है, और आपका नाम भैया? मेरा नाम श्रवण राम। तो भाई दोनों भैया हैं ना, इनके मतलब इनके भाई हैं यहाँ पे, और भैया ने, जसवंत भैया है ना, इन्होंने ही मुझे लिफ्ट दी थी यहाँ पे। और इनके अभी खेतों में हैं, हिरन तो दिखा नहीं, बेर दिख गए, और बहुत ही अच्छे बेर हैं। मुझे मतलब ये सोचा भी नहीं था किसी के गाँव में जाने को मिलेगा, और भैया ने लिफ्ट के साथ साथ अपने घर भी लेके आ गए मुझे। तो थैंक यू भैया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये अंकल जी है, मुझे जाने नहीं दे रहे बिना खाना खाए। अंकल जी घर आया था मैं, तो अंकल जी बोल रहे हैं खाना खा के ही जाओगे वरना जाओगे नहीं यहाँ से। हाँ तो हम बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ रुकना मतलब टाइम, मुझे जाना भी है उदयपुर, तो हम खाना खा के ही निकलेंगे अंकल जी के यहाँ से। वैसे ये रोटी देख रहे हो, गुड़ है, घी है और बाजरे की रोटी है, प्रसिद्ध है यहाँ की राजस्थान की, तो खा के देखते हैं। चलते हैं बाबा जी, नमस्ते। नमस्कार बाबा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके। आपका धन्यवाद। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।
मिलते हैं फिर। ओके नमस्ते दादी। ये दादी जिन्होंने खाना बना के खिलाया हमें। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे सलमान खान ने हिरन को मारा था ना, वहाँ जा रहे हैं। और मतलब स्टैचू बनाया वहाँ पे हिरन का, ब्लैक बैग का। हाँ तो अभी हम चलते हैं। भैया ने लिफ्ट दी, भैया के घर पे आया था, मैंने खाना खाया, भैया ने खाना खिलाया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। बाजरे की रोटी घी और गुड़ के साथ, तो एक नंबर का खाना था, देसी खाना जिसे बोलते हैं ना, राजस्थान का शुद्ध देसी खाना, तो वो खा के बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू भाई। और अभी हम चल रहे हैं आगे। तो गाइस अभी हम भैया के साथ यहाँ आ गए हैं जहाँ पे सलमान खान ने हिरन को मारा था ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बिश्नोई समाज है यहाँ पे, तो वो लोग हिरन को मतलब बचाते हैं, पालते हैं, मतलब यहाँ पे पाला हुआ है या फिर इनकी देखभाल करते हैं, वो सब है। तो अभी हम उसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे सलमान खान ने हिरन को मारा था। और पीछे देख लो यहाँ पे स्टैचू बन रहा है वहाँ पे, वो देखो। तो चलते हैं साथ में, भैया हैं, भैया बताएंगे यहाँ पे, भैया तो भैया बताएंगे यहाँ पे। तो आप बताइए, सलमान खान जब शूटिंग करने आए, कौन सी मूवी शूटिंग चल रही थी यहाँ पे? हम साथ साथ शूटिंग, फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हाँ तो तो गाइज ये देखो भैया खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये जो ब्लैक हिरन है ना, यहीं पे सलमान खान ने उसका शिकार किया था। और ये भैया इनके साथ में आया हूँ, इन्होंने ही बताया था यहाँ पे एक ब्लैक हिरन है जहाँ सलमान खान ने शिकार किया था। और ये अंकल जी हैं, और आप देख लो गाइस, सलमान खान ने शिकार किया तभी इधर ये हमारे आसपास के लोगों ने हिरन के बारे में बचाव किया। तब हिरन मर चुका था, ठीक है, गोली भाग के शिकार किया, फिर वो भाग गई, फिर उसके ऊपर कानून कार्रवाई तो हुई, फिर मगर वो पकड़ में नहीं आई, ठीक है ना। उसके बाद में इधर इसको समाधि दी, दफने यहाँ, यहीं पे समाधि दी थी इधर ही, 1998 की बात है। तो गाइस ये जो देख रहे हो ना, यही वो हिरन है, मतलब इसके नीचे जो हम खड़े हुए हैं ना, इसके नीचे उस हिरन की समाधि है जहाँ जो सलमान खान ने शिकार किया था ना इसका। ये भैया इन सब, इन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया सब कुछ। और ये अभी इसका स्टैचू बन रहा है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, दिखा दूँ मैं आपको। इस पर ग्रिल वगैरह भी लग जाएगी अभी कुछ दिनों में। और इसको एक मतलब पर्यटक के हिसाब से बना रहे हैं कि ताकि लोग आए जाने इसके बारे में यहाँ। तो जगह जो है ना काकानी है, अगर आप इधर आ रहे हो या फिर उदयपुर की ओर जा रहे हो ना, तो काकानी में एक थोड़ा ब्रेक लेके जाएं और यहाँ देखें जहाँ सलमान खान ने मतलब जो शिकार किया था ना हिरन का। तो ये जो ये अंकल जी हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दिया, थैंक यू अंकल जी। तो काकानी गांव है वहाँ, मतलब जहाँ सलमान खान ने शिकार किया था 1998 में, तो वहाँ तक गया था। अभी यहाँ से अंकल जी मुझे छोड़ रहे हैं हाईवे तक। और थैंक यू अंकल जी, आपने मुझे लिफ्ट दे दी। और हाईवे से मैं निकलूँगा उदयपुर की ओर, तो साथ में घूम रहे हो देखो। हाँ तो अंकल जी के साथ में घूम रहे हैं, अभी जंगल की ओर जा रहे हैं हिरन देखने के लिए। काला वाला दिख जाएगा तो दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं अंकल जी कुछ बताएंगे अपने बारे में, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो अंकल जी का नाम ओम प्रकाश है, अंकल जी पर इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये, और जंगल में घुमा रहे हैं मुझे जहाँ सलमान खान ने शिकार किया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सब घूम के। अंकल जी को कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा अंकल जी को यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं, और पीछे जो देख रहे हैं ना हेलमेट है वो उधर से उधर भाग रहा है, मैंने बांधा हुआ है वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं काले हिरन की शिकार में, मतलब खोज में, खोज में जा रहे हैं, शिकार में नहीं, वो गलत बोल दिया मैंने। अभी हम जा रहे हैं काले हिरन की खोज में, और अंकल जी कह रहे हैं ये तो मरवाएगा मुझे कि शिकार बोल रहा है। और गाइस चलते हैं, हिरन दिखाता हूँ मैं आपको, काला वाला, लाल और काले दोनों हैं, भागने लगते हैं जैसे पास जाता हूँ ना उनके, तो वो भागने लगते हैं। उन्होंने देख लिया कि कोई आ गया है, तो इसलिए वो भाग रहे हैं अभी। और ये देखो गाइस काला वाला, ये बहुत तेज़ है, जैसे मैं पास जाता हूँ भागने लगता है वहाँ से। वो काला वाला हिरन देख रहे हो ना, वो देखो दो काले एक लाल है, ये देखो जैसे मैं पास जाता हूँ भागने लगते हैं, मतलब डरते हैं बहुत ज़्यादा। चार हिरन थे यहाँ पे। तो ये अंकल जी हैं, इन्होंने ही मुझे दिखाया काला हिरन, और थैंक यू अंकल जी आपने मुझे दिखाया। तो गाइस काले हिरन देखने के बाद अब मैं फिर से आ गया हूँ हाईवे पे। तो अभी जा रहा हूँ मैं उदयपुर की ओर, सबसे पहले लिफ्ट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से।